हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। यहाँ अपना स्कूल से सेकेंडरी स्कूल, इसकी स्थापना मैंने सन 2016 में की। तो दोस्तों, स्कूल को संचालित करते हुए मुझे समथिंग 5 ईयर हो चुके हैं। दोस्तों आज मैंने सोचा है क्यों ना, जब हमने ब्लॉग नाम दिया ही चैनल का माई ब्लॉग करके, तो मेरे सब बहुत प्रकार के वीडियो डाले हैं, बट अभी तक मैंने अपने स्कूल का वीडियो नहीं डाला है। तो आएगा, बने रहे मेरे साथ और मैं आपको पूरा आज मेरा स्कूल डाला दिखाता हूँ। इस छोटी सी उम्र में हमने जो स्कूल डाला, जो किया इतना, और आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएगा क्या क्या स्कूल में कमी आपको दिखाई देती है। पूरा स्कूल दिखेगा, हम जो बताएंगे और फिर उस कमी को हम सुधारेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ मेरा ऑफिस है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिसमें ये आप देख रहे हो, जानते होंगे इनको, रिम सारे। इनका यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल है संस्कृति, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस। आप जाओगे वहाँ पर समथिंग इनके 65,000 सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा चैनल है जो संस्कृत और हिंदी के लिए, आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना तो इन सबको जरूर फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों यहाँ अपना प्यारा सा ऑफिस है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन बताएगा ऑफिस कैसा लग रहा है। ओके, इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी हमने लगाई, सभी महान पुरुषों की मूर्तियां भी हमने लगाई है। बस ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है दोस्तों, बस इतना सा सेटअप है हमारा। और ये हमारी लाइब्रेरी है, बुक्स है बड़ी बड़ी, इसमें हर प्रकार की बुक्स है बहुत अच्छी। और ये हमारा, हमारे पूरे स्कूल में हमने पूरा कैमरे लगा रखे, ये क्लास में कैमरे लगा रखे, 16 कैमरे हमने लगा रखे, पूरा सेटअप बना रखा। दोस्त आइएगा, मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट बने रहेगा मेरे साथ, कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल कमेंट्स करिएगा किस प्रकार का हमारा ऑफिस है टोटल। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सामने जैसे कि यहाँ सेकंड ऑफिस है, ये हमारा सेकंड ऑफिस है, ये स्टाफ रूम है टोटल। ये मेरा स्टाफ रूम है, इसमें सभी टीचर्स अपना रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, यहीं पर अपना स्टाफ रूम बना हुआ। ये बाहर का प्यारा सा खेल का मैदान है, ज़्यादा बड़ा तो मैदान नहीं है, बट इतना इनफ है, क्योंकि बड़ा स्कूल नहीं है हमारा। ओनली मैं आपको बताता हूँ, मिडिल स्कूल है, 8th क्लास स्कूल है, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है। और ये हमारी प्यारी सी गाड़ी है, जिसको हम आके जल्दी यहीं आके रखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है, ये सभी महान पुरुष है, तेज सेकंडरी देख सकते हैं, तेज सेकंडरी डावरा राजगढ़। और छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, बड़े मज़े आते हैं यहाँ पर पढ़ रहे थे राइट दोस्तों। और हमने हमारे स्कूल में देखिएगा एक और चीज़, ये नर्सरी क्लास है, ये नर्सरी क्लास है। और इस क्लास में छोटी छोटी चेयर्स भी हैं, किसी भी बच्चों को हम नीचे नहीं बिठाते, चाहे नर्सरी क्लास में बच्चा हो या फिर 8th क्लास में बच्चा हो, सभी को बच्चों को हम इसी चेयर पर बिठाते हैं। और ये हमारे एलईडी लगी हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, एनिमल्स दिखाते हैं, उनको मन पसंद चीजें दिखाते हैं और बहुत मजा आते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। तो इस प्रकार नर्सरी क्लास हमने एलईडी भी शो कर रखी है। ओके, तो दोस्त आगे आइएगा स्कूल में और दिखाते हैं हम कि हमने एक बड़ा सा हॉल था, और ये हमारे समथिंग एलकेजी की क्लास है, वो बड़ा सा हॉल था। इस हॉल को हमने दो पार्टीशन डिवाइड कर रखा है, क्योंकि यार मैं आपको मेरे लाडलों में आपको बता देता हूँ, बिल्डिंग जो मेरी है ये पर्सनल नहीं है, पूरा बिल्डिंग रेंट पे है। क्या है, पूरी बिल्डिंग टोटल बिल्डिंग जो है क्या है, रेंट पे है। इसलिए क्या है, पार्टीशन कर रहा है, जब आप लोगों की मदद की वजह से जब स्वयं की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें दोस्तों बहुत मजा आएंगे, अलग अलग रूम बनाएंगे, बड़े बड़े रूम बनाएंगे, सब कुछ सेट करेंगे दोस्तों। यहाँ इसमें भी देखिए हमने पार्टीशन कर रखे, 1-2 पार्टीशन, एक रूम के अंदर सेम पार्टीशन कर रखे, क्योंकि पूरा हॉल का बड़ा। ओके, क्योंकि अपने अवेलेबल इतना बना बना मकान मिल नहीं सकते, इतना बड़ा जब भी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है जो हमने पार्टीशन किया है। ये भी हमारी क्लास, इसमें 8th क्लास रखती है दोस्तों, देखिए आप, और बहुत अच्छा है। इसमें देखिए बहुत अच्छी स्विच लिखा है, पैर की मोच और छोटी सोच, क्या ध्यान से सुनिएगा, पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यहाँ 8th क्लास रखती है, जो भी आपको कमी लगती है बिल्कुल बताएगा, क्योंकि जब हम अपनी स्वयं की बिल्डिंग बनाएंगे, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। यह भी हमारे क्लासरूम है दोस्तों, अच्छा बड़ा क्लासरूम है, इसमें इस क्लासरूम में ज़्यादा बच्चों को नहीं, समथिंग 30-40 बच्चे बैठ पाते हैं, कितने 30-40 बच्चे यहाँ पर इजिली बैठ पाएंगे, अच्छी क्लास है दोस्तों की। तो ये बहुत बताएगा दोस्तों, बड़ा तो नहीं है, बस छोटा सा स्कूल है, बट अभी भी मेरी उम्र भी इतनी है, बट आपको यही चाहता हूँ कैसा स्कूल बताएगा। ये पीछे भी ग्राउंड है छोटा सा, जहाँ हमारी लेट बाथ है और खुला हुआ है पीछे भी पूरा, देखिए ये गर्ल्स टॉयलेट है, और इसका ये गर्ल्स टॉयलेट है, अच्छी टॉयलेट है, ज़्यादा वे भी तो नहीं है, बट नॉर्मल है।
हमारी बॉयज टॉयलेट है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने नॉर्मल बना रखे, क्योंकि बड़े हम दिखा छोटे छोटे बच्चे अंदर जाते नहीं तो बाहर कर लेते हैं। और ये भी समथिंग 20-30 का ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पर भी धूप वगैरह लेना, देखना, बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से खुला है, और बताए कमेंट्स करके बताएगा किस प्रकार से यहाँ दोस्तों स्कूल लगा है आपको, एक छोटा सा स्कूल, प्यारा सा स्कूल। ओके, और स्कूल से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी लेना हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ के बारे में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर बताएगा मेरा एक प्यारा सा एक छोटा सा स्कूल आपको कैसा लगा। मैं आपका कमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।